वो देखो कितना बड़ा बड़ा मिरर है ना। लाइट बंद कर दो। लाइट मना है यहाँ पे। अच्छा बना है, लाइट मना है बोले तो बंद कर दिया मैंने। अभी मैं इमामबाड़ा के टॉप पे बैठा हुआ हूँ। कहाँ से हवा आ रहा है, इतना समझ नहीं आ रहा कहाँ से हवा। पिछले एपिसोड में आपने देखा ऑलराइट सो बड़ा इमामबाड़ा बंद है क्योंकि आज फ्राइडे है, भूल गया था नमाज अदा करते, तो 3 बजे के बाद खुलेगा। कहते हैं कि मोहम्मद अली शाह जो यहाँ के रूलर थे तो उन्होंने अपनी बेटी आशा बेगम उसका मकबरा यहाँ बनवाया था। सो एक ये होगा मोस्ट प्रोबेबली दिस वन एंड दिस वन। सो ये पीछे वाला जो है वो मकबरा है आसिया बेगम का, जो कि मोहम्मद अली शाह की बेटी थी। जरा हम लोग दिख रहे हैं अभी। क्या नाम है तेरा? हैदर अली। तेरा नाम क्या है? अमीर हसन। क्या घूमने के लिए कहाँ गए थे? क्रिकेट खेलने गए थे। अब आगे ओके भूलभुलैया के अंदर चला जाए। बड़ा इमामबाड़ा के एंट्रेंस के अंदर जाते ही आपको राइट साइड में आसिफी मस्जिद दिखेगा, जहाँ पे फ्राइडे को नमाज अदा की जाती है, इसलिए बड़ा इमामबाड़ा उस दिन 3 बजे खुलता है। भाई ये शीशा इतना बड़ा है, क्या ही बताऊँ मैं। देखो इतना छोटा सा दिख रहा हूँ मैं, अब अंदाज़ा लगाओ कितना बड़ा है शीशा। अभी तो मैं मेन क्या बोलते हैं दरगाह के अंदर में हूँ, और यहाँ से मेरे को मतलब भूल भुलैया दिख रहा है कितना बड़ा बड़ा, मतलब बहुत सारा है। ये सब भूल भुलैया का, ये है। इमामबाड़ा को बनवाया था यहाँ के नवाब असफ उद दौला ने। जो आर्किटेक्चर थे जिन्होंने इस इमामबाड़ा को डिज़ाइन दिया था उनका नाम था किफ़ायतुल्ला। क्या ही शानदार डिज़ाइन है यार, बहुत ही खूबसूरत लगता है अंदर से। और इसमें बहुत ही बड़े बड़े शीशे लगे हुए हैं, बहुत ही बड़े बड़े ताजिए हैं। ज़िंदगी में मैंने तो पहली बार ही ऐसा कुछ देखा है। आई वॉज एस्टॉनिश्ड। आइए अब भूल भुलैया के अंदर चलते हैं। कहीं से भी घुस जा रहे हो, मैं भी आऊं। आओ यार, आता हूं। चलो ये भैया लोग के साथ रैंडम कर रहे हैं भाई हम लोग। बच्चों यहाँ 24 रास्ते सही है। 24 रास्ते सही है यहाँ पे। रास्ता भी वही आने का। हाँ ये बहुत बार सुन लिया ना डायलॉग में तो। यहाँ अपने गांव में बना थे बे। गांव में? ये वाला नीचा तो हमारे यहाँ सही है। इधर अभी है टॉर्च। चलो एक जगह से देखते हैं यार, यहाँ से ये रहा। ये भूल भुलैया के अपन ऊपर पहुंच गए भाई फाइनली। ओ भाई उधर पे भी कोई है, दिख रहा है वो रहा, कोई निकलेगा। निकलना चाहिए, निकलो भैया। यही छे भूल भुलैया, यही छे। ऐसा नहीं लगता ना भैया कि हम लोग खो जाएंगे? क्या लगता है आपको, आप खो जाएंगे? खोएंगे थोड़े ना। ये बस भैया लोग के साथ घूम रहा हूँ, हम लोग ऐसे भूल भुलैया खोज रहे थे। हम लोग तो दरगाह के अंदर भूल भुलैया खोज रहे थे नीचे में, कहाँ कहाँ से बाहर से देखे भैया लोग भूल भुलैया बाहर में अलग से रास्ते ऊपर जाने का। यहाँ पे गाइड की जरूरत नहीं पड़ती है। सही बात है। हाँ यार सही बात है, बट यहाँ लूटते हैं ना बेचने हम लोग। हाँ नहीं ये गलत चीज बोले कि मतलब गाइड के बिना आप नहीं जा सकते, ये गलत बोले। ये गलत है ना, वहाँ पे रास्ता ही जैसे भटका रहे थे कि अंदर से रास्ता है, साला रास्ता बाहर से मिला। हाँ हम लोग तो खोज रहे दरगाह के नीचे में कहाँ है करके, कोई सी सीट में घुस जाते। आप लोग नाम बताइए ना भैया अपना। अभिषेक लखनऊ। अश्विनी। सब लखनऊ से? बढ़िया सही। चले तो ऊपर वाले। चलो आप लोग आए मतलब यहाँ पहले? बहुत बार आ चुके हैं। नहीं दो बार आए, पहली बार। मेरा तो फर्स्ट टाइम है, बट मतलब मन नहीं करता कि इस जगह पे आऊँ। चलो लाइट बंद कर दूं? लाइट मना है यहाँ पे। अच्छा बना है? लाइट मना है। हाँ लाइट मना है बोले तो बंद कर दिया मैंने। एक बार दिखा यार, तू समझे मने यार बिना लाइट के। चलो चलो पीछे वाले लोग भी कुछ जोश नहीं है। ये पकड़ो इधर से बाहर जाएंगे अपन, ऊपर जाएंगे अभी तो ऊपर। इधर बैठो, इधर
क्या शॉर्टकट जा रहे हो, आराम से चलते ना ऊपर। चलो ये ऊपर जाने का रास्ता है भाई, चले ऊपर, चले ऊपर। कहाँ जा रहे हैं? इससे भी ऊपर। चलो यो, अभी तक तो ऐसा कुछ फील नहीं हुआ कि अपन खो जाएंगे। ये आ गए, अपन अंदर पे बैठे थे वहाँ पे, और अब चले यहाँ से और ऊपर। ये रहा सीढ़ी, अब चले हम लोग भी ऊपर, ऊपर मिलते हैं। यहाँ से तो पूरा जो कोर्ट यार्ड है उसका सही व्यू मिल रहा है, एकदम सही। टेक अ लुक। तो अभी मैं इमामबाड़ा के टॉप पे बैठा हुआ हूँ, और भूल भुलैया मतलब इमामबाड़ा के ऊपर में ही है। इमामबाड़ा मतलब भूल भुलैया का भी दो मंजिल है, तो मैं दूसरे मंजिल पर हूँ। बोलते हैं ना लखनऊ नवाबों का शहर है, तो इसको भी एक नवाब ने बनवाया था, उसका नाम था असफ़ुद्दौला। 1784 में क्या हुआ था, अकाल पड़ गया था अवध में, उस टाइम पर लखनऊ का नाम अवध था। तो अब यहाँ के लोगों को रोज़गार देने का क्या करें, फ्री का पैसा देते तो हराम का पैसा हो जाता, तो लोगों को आदत पड़ जाता। तो इसलिए ना उन्होंने इसका कंस्ट्रक्शन करवाया ताकि लोगों को नौकरी मिले, पैसा मिले। ये भूल भुलैया में 1024 रास्ते हैं अंदर आने के, लेकिन बाहर जाने का सिर्फ दो है। बट वैसे तो उतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लगा नहीं अपने को, बट होगा होगा, अब अंदर जाएंगे तो होगा ना, अपन तो बाहर बाहर ही घूमे हैं। असफ़ुद्दौला का भी मकबरा यहीं पे ही है ऐसा बोलते हैं, ऐसा मैं पढ़ा हूँ। जाने का टाइम हो गया लगता, सब लोग जा रहे हैं। हाँ सब लोग जा रहे हैं तो अपन भी चलते हैं, रिस्क नहीं लेते। मैं बस ऐसे ही रैंडम भैया लोग को फोटो खींच रहा था ताकि मेरे को कोई एंगल मिले, फिर फोटो लूँगा भैया लोग से। तो ये भैया मेरे को पता चला कि मथुरा से ही है, लेकिन भैया यहाँ पढ़ाई करते हैं। तो भैया आप नहीं जाओगे, तो आप घर कब जाओगे? मतलब होली में, होली में जाएंगे। मतलब तारीख वारीख कुछ? आज 15 तारीख के समथिंग आएंगे। 15 कोई दिक्कत नहीं, अपन बाद में, मैं पहले जा रहा हूँ। मैं मतलब 12 को शायद मैं वापस से ले आऊँगा। मिलते हैं। हम लोग अंदर आए तो वहाँ पे लिखा था वीडियोग्राफी वगैरह फोटोग्राफी सब अलाउड है, लेकिन भैया कुछ बोल रहे, भैया क्या बोल रहे थे फिर से बोलिए ना वही चीज़, वो ये यूपी है बोल रहे थे, बोलिए ना, बोले ना क्या दिक्कत है? अरे क्या दिक्कत, बोलो ना, बोलो ना यार, तो चैनल में डाल रहे। अरे क्या दिक्कत है? अरे ऐसे ही तो बनता है भैया व्लॉग। अच्छा तो आप गलत चीज थोड़ी बोले, सही चीज तो बोले भैया। सही चीज तो बोले, लेकिन आगे का ना तो कठिन हो जाता है, आगे दिन पाबंदी लग जाएगी, बंद हो जाएगा, पाबंदी करा देंगे। पीछे वाले इस मस्जिद में नमाज चलता है, इसलिए फ्राइडे को 3 बजे खुलता है। चलते हैं अपन नीचे, चलो नीचे चला जाए। नीचे तो ज़्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं है, नीचे जाने के लिए कुछ नहीं। यहाँ से एक सीढ़ी है जो दिख रहा है, ये रहा एक सीढ़ी, इसी से नीचे जाने का है। नीचे जाएंगे तो पहुंच जाएंगे बाहर, बस अंधेरा ज़्यादा है, कुछ दिख नहीं रहा होगा, है ना? वो रहा एग्ज़िट, मतलब फर्स्ट फ्लोर का, इससे नीचे और जाना है अपने को अभी तो, है ना? ये बावली आया था तो भैया लोग पहले बावली आ गए थे, तो वो लोग शायद नीचे में दिखे मेरे को, बुला रहे आता हूँ। ये रहे, आया आया, आ रहा आ रहा। ये है बावली। बावली का मतलब ये कुआं, वो एंट्रेंस है, मैं वहीं से आया हूँ जी रहा। और मैं जैसे जैसे इधर पे अंदर जा रहा हूँ ना, वैसे वैसे ना ठंडा बढ़ते जा रहा है, ठंड लग रहा है, ठंड एकदम मस्त लग रहा है। क्या जबरदस्त वेंटिलेशन है भाई, कहाँ से हवा आ रहा है इतना, समझ नहीं आ रहा कहाँ से हवा आ रहा है, लेकिन बहुत ज़बरदस्त हवा आ रहा है, एकदम ठंडा, ऐसा लग रहा है कि कूलर चल रहा है। सही है, क्या आर्किटेक्चर है भाई। उधर से आया मैं,
इधर पे जाना है, वही तो मैं बोल रहा था सीढ़ी खोज रहा था, कहीं से तो कोई इंटरकनेक्टेड होगा, वापस बार बार एक सीढ़ी पे जाना तो सही नहीं है ना, है ना। बोलते थे कि जब बड़े बड़े लोगों का सक्सेस हो रहा था उस टाइम पे, अरे आ गए आप लोग, नीचे चल पाई हो, चलेंगे नीचे, चलो चलो हाँ हाँ बाहर का, हाँ हाँ चलो चलो सीढ़ी वगैरह दिया। फेंक रहे हो भैया पैसा, पैसा फेंक रहे हो क्या आप? नहीं आप लोग फेंक रहे हो क्या भाई, पूछ रहा हूँ मैं। अरे यार पैसा बाहर फेंकियो मैं पैसा। इसको बावली बोलते हैं, क्या है बावली? कुछ नहीं, कुआं है भाई। जब वो इमामबाड़ा कंस्ट्रक्शन करवा रहे थे ना तसफ उद्दौला, तो वर्कर्स के लिए पानी सीधे तो कहाँ से आता, तो यहीं से ही आता है कुएं से, बहुत बड़ा सा कुआं है और पानी की तरह वो गोमती नदी से ऐसा आता था, ऐसा बोलते हैं। मैं अभी अपने भाई से बात कर रहा था फ़ोन में, तो मैं उसको बोल रहा था कि पटना और बनारस के जैसा ट्रैफिक मिला नहीं मेरे को लखनऊ में, लेकिन अब मिल गया मेरे बोलने के बाद, इसलिए नहीं बोलना चाहिए था। आज का खाना मैं कल से घूम रहा था, कल से ज़्यादा दूध देख रहा था, मेरे को दूध पीने का बहुत मन हो गया था, लेकिन कल मैं लस्सी पी रहा था, मैं बोला आज तो मैं दूध पी के रहा हूँ। सही है। सो क्योंकि मैं शुक्रवार फ्राइडे को गया था बड़ा इमाम बड़ा, तो वो शाम को 3 बजे खुलता है, तो मेरे पास सिर्फ 2 घंटे था, तो मैं उतना अच्छे से एक्सप्लोर नहीं कर पाया, जितना भी एक्सप्लोर कर पाया आपको मैं दिखाया, और वैसे भी छुप छुप कर रिकॉर्ड करना पड़ा क्योंकि वहाँ पे ऐसा वीडियो रिकॉर्डिंग अलाउड है नहीं, है ना। सो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा होगा, और ज़िंदगी में कभी लखनऊ जाओगे तो टुंडे कबाबी और बहुत सारा कुछ अच्छा अच्छा वहाँ पे लोकल डिश है जो आप लोग को ट्राई करना चाहिए। मेरे पास टाइम नहीं था और मैं थक गया था, इसलिए मैं इमामबाड़ा से वापस अपने हॉस्टल चले गया था। सो बस हाँ यही स्टोरी है, आशा करते हैं कि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा लगेगा तो लाइक करके जाने का, है ना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सहारा।